तो आइए दोस्तों, आज आपको मटन तंदूरी खिलाते हैं। तो मटन तंदूरी बना रहे हैं। ये मेरी बांस का, ये बांस की लकड़ी है जिसको काटने के लिए मैंने बनाया है। तो इसको करते हैं तैयार तंदूरी मटन के लिए। तो देखते हैं कैसा बनता है। तो ये मैं पहली बार ही बना रहा हूँ, तो दिखाएंगे आप लोगों को। तो देखिए, ये मटन लेके आए हम, पूरी टांग लेके आए हैं बकरी की, और इसको काटते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए मेरी टांग, तो ये देखिए ये हथियार बना रखा है और ये मैंने खुद ने बनाया है। तो बनाते हैं तंदूरी के लिए, पीस निकालते हैं इसमें से बढ़िया बढ़िया मटन के स्लाइस, तो दिखाते हैं। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों, दूसरे दिन इसको पूरा डालेंगे तंदूर में। आज इसको छोटा छोटा काट के तंदूरी बनाते हैं इसका, तो कैसा रहता है। तो अगले दिन पूरा लेग पीस डालेंगे, तो पूरा मटन का एक ले आएंगे। आज दो ही पीस ले आया था मैं पूरा पूरा, तो ये लगभग 5 किलो का है। दोनों टांग 5 किलो की थी। तो देखते हैं कैसा बनता है और दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, बस बन गया। तो देखिए दोस्तों, मटन काट दिया है, छोटे छोटे स्लाइस कर दिए हैं। इसको मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं 1-2 घंटे के लिए। बाकी ये डॉग के लिए हो गया है, अभी वो घूमने गया कहीं, तो जंगल में जब आ जाएगा तो वो डॉग के लिए हो गया और ये हमारे लिए हो गया। और इसको अब मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं दही दुही लगा के। तो तब तक हम करते हैं अपनी भट्टी तैयार। भट्टी भी दिखाता हूँ मैं अभी आप लोगों को, भट्टी भी मैंने खुद ने बनाया है, तो अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो करते हैं उसको गरम और कोयले बनाते हैं। यहाँ पर लकड़ियाँ बहुत हैं और ये नीचे देख रहे होंगे आप, ये देखिए ये भी मैंने बनाया है। तो ये अपने चैन सॉ से मैंने ये काटा है, और बांस की लकड़ी है और बहुत मजबूत है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो दिखाते हैं आज आप लोगों को मटन तंदूरी बना के। है दोस्तों सिलबट्टे में पीसा हुआ मसाला तंदूर के लिए, तो देखिए ये देखिए ये मसाला तैयार हो रहा है। दोस्तों
ये तैयार हो गया है, इसको फ्रीजर में रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए 1-2 घंटे के लिए, और तब तक अपना पकेठी शुरू करते हैं और उसमें आग जलाते हैं और कोयले बनाते हैं, तो तब तक के लिए इसको रखते हैं फ्रीज में। ये मैंने बना रखा है, थोड़ा सा आवाज की प्रॉब्लम हो रही होगी, यहाँ पे मेरा जनरेटर चल रहा है तो थोड़ा आवाज कर रहा है। तो ये देखिए, ये मैंने बैटरी बना रखी है, तो पहले मैं आग जला चुका हूँ उसमें, अंदर से कुछ इस तरीके का है और बाहर से ये है, तो नीचे स्टैंड बना रखा है, अभी इसको फिक्स करना है, अभी इसमें बहुत काम रहता है, अभी बनाऊंगा मैं। और ये और इसमें यहाँ से हवा पास करने के लिए, यहाँ नीचे से ये देखिए, तो यहाँ से हवा पास करने के लिए, तो यहाँ पे ये लकड़ी काट दी है, जो है ये चीड़ की लकड़ी है, तो इसमें गोंद होता है, ये जलता है, तो जलने पर, और ये नीचे देखते हैं इसमें आग जलाते हैं और क्या रहता है। देखिए दोस्तों, ये आग जलने लगी है, इसमें बड़े बड़े गिल्ठे डाल दिए हैं, तो बनाते हैं इसका कोयला जल्दी से, फिर ये सीख है, जैसे ही अभी थोड़ा सा हो जाता है, फ्रिज में रखा है मटन, तो फिर लगाते हैं इन सीख में। अभी ये सीख भी धोने हैं, मैंने इससे पहले ये यूज नहीं किए हैं, तो ये देखिए क्या आज गजब का नज़ारा है, और हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, तो दिखाएंगे आपको, और रात को लाइट लगा के भी खेलते हैं हम लोग। तो अभी लॉकडाउन में घर था मैं, तो बना रहा हूँ मैं सारा कुछ ये सिस्टम, तो ये आगे को भी काम आएगा। तो आइए दोस्तों, ये हो गया है मैग्नेट, और इधर मक्खन तैयार है, और इधर आग भी कोयले करीब करीब हो चुके हैं, तो ये थोड़ा सा अभी भी धुआं इसमें निकल रहा है, अभी थोड़ी देर में, तब तक हम इसको लगाते हैं सीख में, ये सीख है, तो दिखाते हैं आप लोगों को। तो लगाते हैं सीख में कुछ इस तरीके से, दो जगह से लगाते हैं, कहीं घुमाने में फिर दिक्कत होगी। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से लगाते हैं हम इसको सीख में, सारे सीख को लगा दिया है, तो देख सकते हैं आप, और करीब करीब हमारे, तो ये देखिए करीब करीब कोयले भी हमारे तैयार हो चुके हैं, सारा आग जल कर Thank you.
देखिए दोस्तों, ये रहा और इसको करते हैं आराम से ड्राई, और फिर इनको भी करेंगे। थोड़ा सा एक साइड आग हो रहा है, धुआं हो रहा है, तो फिलहाल मैंने तीन ही रखे हैं, चार और बचते हैं, तो लगाता हूं मैं आराम से इनको और दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए एकदम ब्राउन होने लग गया है एक ही मिनट में, क्योंकि नीचे आग बहुत तेज है। तो इसको अभी जैसे ही ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो इस पर लगाया जाएगा मक्खन। तो देखिए दोस्तों, करीब करीब तैयार हो चुके हैं, बाकी ये हो रहे हैं, तो टेस्ट करते हैं कैसा होता है। अटक गया इसमें, ये देखिए, तो ये छोटे पीस हैं, तो ये पक गए होंगे जल्दी, तो ये कुछ इसमें ठंडा हो गया, अटक गया है। तो बस फिर और दो पीस चेक करते हैं। तो ये देखे दोस्तों, मजा आ गया, बहुत ही लाजवाब। मजा आ गया। तो बाकी अब अंधेरा होने वाला है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।